करना फोटैलिसिस ये अंदर ही कि जो क्वांटम जील्ड जो फोटोकैमिकल रिएक्शन की घट होंगी फोटैलिसिस ऑफ अमोनिया फोटैलिसिस फोटैलिसिस ऑफ अमोनिया बेटा फोटो दो वर्ड्स का बनया फोटो लाइसिस फोटो मीन्स लाइट लाइसिस मीन्स क्लीवेज और ब्रेक डाउन और डीकम्पोजिशन ठीक है जी. सो वट डू यू ऑब्जर्व कि फोटैलिसिस ऑफ अमोनिया दैट इज फोटोकैमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जी है दैट टेक प्लेस बाय वैन इट इज इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 210 नैनोमीटर. सो फोटैलिसिस और फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया टेक प्लेस when it is means ammonia is irradiated with light of wavelength 200 nanometer quantum efficiency pi is about 0.25 for the decomposition of ammonia in the presence of light at ordinary temperature. ठीक है बेटा. सो प्रपोज मैकेनिज्म इज एज द प्रपोज मैकेनिज्म फॉर द फोटैलिसिस ऑफ अमोनिया प्राइमरी प्रोसेस बेटा वन डिग्री प्रोसेस लिखना मैं दैट फॉलो ऑब्वियसली स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वलेंस लाइट आप फॉल की 210 नैनोमीटर की तो डिकम्पोज हो गया NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन एटम च सैकेंडरी प्रोसेसिस दे विच वट डू यू ऑब्जर्व फर्स्ट स्टेप इज अमाइन ग्रुप कंबाइन विद अनदर अमाइन ग्रुप to form nitrogen gas and two molecule of hydrogen gas. Second step is NH2 combine with another NH2 group to give rise to हाँ जी इनु की कहने हैं हाइड्रोजन. ठीक है बेटा हाइड्रोजन. थर्ड स्टेप बेटा हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस. फोर्थ स्टेप इज NH2 आ जड़ा बनिया प्राइमरी प्रोसेस कंबाइन बैक विद द हाइड्रोजन एटम टू गिव राइज टू अमोनिया. क्लीयर बेटा. हूँ बेटा प्रोडक्ट जड़ा रिएक्शन का सानू पता रिएक्शन जो फोटैलिसिस होंदा फोटैलिसिस होंदा असी की ऑब्जर्व किया फोटैलिसिस जो इतने ओवरऑल रिएक्शन लिखी है बेटा ओवरऑल रिएक्शन भी लिख देती हाँ मैं टू अमोनिया मॉलिक्यूल और लाइट रेडिएट की 210 नैनोमीटर की तो बेटा की आ गया साढ़े को N2 गैस तो 3H2 गैस मॉलिक्यूल नाबडैरोमीन गैस. ठीक है जी क्लीयर है ये क्लीयर है बेटा. तो प्रोडक्ट जोड़ा आ इस रिएक्शन का फोटैलिसिस ऑफ अमोनिया जोड़ा है नाइट्रोजन गैस है तो 3 मॉलिक्यूल
वाटर तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस दिया सो प्रोडक्ट जड़ा है ऑफ द रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ कैटालिसिस ऑफ अमोनिया आर नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस and are formed in reaction beta kede kede reaction ch banda hai secondary process in reactions of secondary processes in reactions of secondary processes kede kede reaction hoega odi gal karde processes ek ta first step NH2 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਨ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਸੋ ਅਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਫ ਫਟੈਲਿਸਿਸ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ ਆਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਐਂਡ ਆਰ ਫਾਰਮ ਇਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 3 ਇਨ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਲ ਦੀਜ਼ secondary reactions ammonia in all these reactions not secondary reaction in all these reactions ammonia eh kithe consume hoya beta ammonia itthe kithe nahi hai secondary process ch consume hoya theek hai oh kithe hoya sirf 1 degree process ch theek hai ammonia is consumed only in 1 degree process theek hai moreover in reaction 4 ammonia jehdi hai reaction 4 de vich ki observe karde ammonia reform ho gayi consume nahi hoyi reform ho gayi jad ki ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 4 ਅਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਡ ਰੀ ਮੀਨਸ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਰਿਫਾਰਮਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸਲ ਆਫ ਬਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ All these factors account for ये सारे factors जड़े हैं कारण ने for low quantum yield of value 2.5 0.25 in photolysis of ammonia ठीक है भी हुन बेटा अगला असी करना है photolysis of acetone photolysis of एसीटोन एसीटोन का फार्मूला थानू पता बेटा इनू प्रोपेन टू ऑन भी कहने आई जू पी एस ने प्रोपेन टू ऑन ठीक है इनू कट्ठा करके इदा सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री कीटोन होंदा है ना इनू इदा लिख देंगे या इदा ओपन करके ठीक है हूँ जदों बेटा यदि गल करांगे
हाँ जी बेटा, जो फटैलिसिस ऑफ असी करना एसीटोन तो की करते हैं, जो ये वेपर्स लाँगे उन्होंने इरेडिएट करा वो फॉल करा नियर यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट जी वेवलेंथ है 253.7 नैनोमीटर, तो यह डिकम्पोज हो जाता ब्रेक कर जाता है इनटू ईथेन गैस एंड कार्बन मोनोक्साइड गैस। सो वैन एसीटोन वेपर्स आर इरेडिएटेड, मतलब उन्होंने लाइट फॉल करते हैं रेडिएटेड विद यू नियर विद यू कैन से नियर यूवी नियर अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 253.7 नैनोमीटर एसीटोन गेट डिकम्पोज्ड और ब्रेक डाउन टू ईथेन C2H6 गैस, अब्बड़ एरो, ठीक है, C2H6 गैस एंड कार्बन मोनोक्साइड गैस। कार्बन मोनोक्साइड गैस। सो बेटा रिएक्शन की होना, ओवरऑल रिएक्शन पहला लिखा करिए अपन, CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3 इतने लाइट पाई असी 253.7 नैनोमीटर की, तो यह डिकम्पोज हो गया ईथेन गैस तो कार्बन मोनोक्साइड गैस के बीच। अज नहीं कराना कुछ बेटा, हम आप गल कर रहे थी कि सानू एप्रीशिएबल अमाउंट जी सानू कादी मिलनी है, डाई एसीटाइल की भी मिलनी है तो मीथेन की भी मिलनी है। डाई स्टाइल का एसीटाइल का फार्मूला यह होंगे CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3 आर आलसो एप्रीशिएबल अमाउंट मिलता मीथेन जोड़ा मन्यूट क्वांटिटी मिलता है एज ए प्रोडक्ट आलसो इन एडिशन टू मेन मेजर प्रोडक्ट ईथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड। द प्रपोज मैकानिज़म जोड़ा है ऑफ द फटैलिसिस ऑफ एसीटोन इज 1 डिग्री प्रोसैस के होएगा एसीटोन जोड़ा है वेपर फॉर्म छोएगा वेपर फॉर्म छोएगा वो इरेडिएट करा लाइट ऑफ 253.7 नैनोमीटर तो दैट विल अंडरगो होमोलाइसिस ऑफ एसीटोन विल अंडरगो होमोलाइसिस ऑफ होमो मीन्स इक्वल लाइसिस मीन क्लीवेज होमोलाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ मिथाइल कार्बन वन ऑफ द मिथाइल कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन तो होमोलाइसिस होया एक डॉटेड लाइन रिप्रजेंट करते हैं तो यह मिथाइल फ्री रेडिकल से एसीटाइल फ्री रेडिकल चेंज हो गया। यू नो दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल क्यों क्योंकि इन्हें को एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है ऑड इलेक्ट्रॉन है ना जिदा मिथाइल है कार्बन जिहड़ा सेंट्रल आइटम है 6 ये को मतलब शेड इलेक्ट्रॉन तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 एक की शॉर्टेज है इतने एसीटाइल कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है दैन कंप्लीट डॉक्टर सो दे आर रिएक्टिव वेरी रिएक्टिव सो दे आर रिएक्टिंग एज रिएक्शन इंटरमीडिएट लोअर क्लास तुम करते आए हो तो ओबियसली बेटा हाईली एनर्जाइज हो गए इमीडिएटली जो फॉर्म हो गए रिएक्ट करोगे एंड विल अंडरगो सेकेंडरी प्रोसैसिज इन सेकेंडरी प्रोसैसिज एसीटाइल फ्री रेडिकल फर्दर अंडरगो होमोलाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ मिथाइल कार्बन एंड कार्बोनिल ग्रुप कार्बन ऑफ एसीटाइल ग्रुप एंड रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल गैशियस स्टेट ही होएगा बेटा नाल सानू की मिल जूगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है जी सो ए अगेन मिथाइल फ्री रेडिकल मिल गया है ना। थर्ड स्टेप दे विच बेटा की होएगा मिथाइल फ्री रेडिकल जड़ा है
ओ होमोलाइसिस करेगा एसीटाइल फ्री रेडिकल का, एंड मिथाइल फ्री रेडिकल विल डू द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ मिथाइल कार्बन एंड दैट ऑफ द कार्बन कार्बन ऑफ एसीटाइल फ्री रेडिकल, जिदा मैं बोल रही हूँ बेटा इतनी, विल अंडरगो होमोलाइसिस, ठीक है। ए मिथाइल फ्री रेडिकल इन द मिथाइल फ्री रेडिकल ना मिलके की बन जाएगा इथेन, ठीक है बेटा, इथेन सिंगल बॉन्ड आ इथेन आ डॉट डॉट शो किए मैं कि शेड अन ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इथेन गैस बन गई थी, नाल थानू की मिल गया बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाल की मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये थर्ड रिएक्शन हो गया। फोर्थ रिएक्शन एसीटाइल फ्री रेडिकल एप्रिशिएबल अमाउंट मिलता फोर्थ रिएक्शन के विच, है ना, एसीटाइल फ्री रेडिकल अनदर एसीटाइल फ्री रेडिकल ना कंबाइन करेगा, दिस इज एसीटाइल फ्री रेडिकल, है ना, और डाई एसीटाइल बना दूंगा। सिंगल बॉन्ड बन गया डाई एसीटाइल, इट इज क्लियर फ्रॉम सेकेंड स्टेप टू फोर्थ स्टेप दैट फ्री रेडिकल जनरेटेड इन प्राइमरी प्रोसेस वन वन डिग्री प्रोसेस जिहड़े फ्री रेडिकल बने सी मिथाइल, वन डिग्री प्रोसेस दे विच एसीटोन दे फटैलिसिस ना जिहड़ा फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल ते एसीटाइल फ्री रेडिकल बने सी, है ना, ओ रिएक्ट ओ सेकेंडरी प्रोसेसिस दे विच सेकेंड तो फोर्थ स्टेप दे विच ओ रिएक्ट करदे विद ईच अदर फॉर्मिंग वेरियस प्रोडक्ट एंड आर कंज्यूम एज सच नो चेन रिएक्शन इज स्टार्टड बाय द फ्री रेडिकल फॉर्मड इन द प्राइमरी प्रोसेस दे फॉर द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वन। सो यदी क्वांटम यील्ड की होनी है वन होनी है बेटा, इतने जो असं रिएक्शन लिखते हैं ना तो यदि क्वांटम यील्ड की होनी है वन होनी है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम स्टेप्स टू टू फोर, हाँ देखिए बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल एसीटाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल ये जेडे बने सी प्राइमरी प्रोसेस वो इतने रिएक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी प्रोसेस से कंज्यूम हो रहे हैं। सो एस एच नो चेन रिएक्शन स्टार्टअप therefore the quantum yield is E of 1, it is clear from steps 2 to 4 that the free radical that the free radicals that is methyl free radical and acetyl free radical generated in one degree process get reacted in steps 2 to 4 of 2 to 4 of secondary processes in steps 2 to 4 in secondary processes to give various products theek hai ji so clear beta and are consumed a free radical consume ho raha secondary processes as such no chain reaction is started by the free radicals
methyl and acetyl formed in one degree process. Therefore, quantum yield, quantum efficiency of photolysis of or photochemical decomposition of acetone is 1. So बेटा द्वारा लिख देने हैं acetone vapor form छोएगा ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे ये रेडिएट किता यू नो विद 253.7 नैनोमीटर ना यदि 5 वैल्यू 1 होनी है तो साढ़े को मेन आना C2H6 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्लियर हूँ बेटा अभी फोटोलिसिस करना है एसीटैल्डिहाइड का जिन्हों इथानल भी कहने एसीटैल्डिहाइड फार्मूला होंगे CH3C डबल बॉन्ड ऑफ एच इन इथानल भी कहने ठीक है जी तो की करांगे कि ऑन एक्सपोजर टू रेडिएशन ऑफ 310 नैनोमीटर वेवलेंथ एसीटैल्डिहाइड अंडरगो फोटोलिसिस डिसोसिएशन टू गिव राइज टू इथेन मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑन एक्सपोजर जब तो लाइट पावांगे ऑन एक्सपोजर टू रेडिएशन ऑफ 310 नैनोमीटर वेवलेंथ एसीटैल्डिहाइड एसीटैल्डिहाइड अंडरगो फोटोलिसिस टू गिव इथेन गैस मीथेन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सो CH3CHO इनू इकट्ठा करके भी लिख सकते हो इत रेडिएट की लाइट ऑफ 310 नैनोमीटर की वेवलेंथ गिव राइज टू C2H6 ईथेन प्लस मीथेन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ईथेन मीथेन यदि क्वांटम यील्ड जी है 5 फॉर द फोटोलिसिस ऑफ एसीटैल्डिहाइड कम्स आउट टू बी 0.5 क्लियर बेटा द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ फोटोलिसिस ऑफ एसीटैल्डिहाइड इज वन डिग्री प्रोसेस अगेन फॉलो की करेगी स्टार्क आइंस्टाइन लॉ है ना लाइट 310 नैनोमीटर की फॉल की थी इधर तो साढ़े को आ गया इट विल अंडरगो बेटा इट विल अंडरगो एसीटैल्डिहाइड विल अंडरगो होमोलाइसिस होमोलिटिक क्लीवेज अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ मिथाइल कार्बन एंड इन बेटा फॉर्मिल कार्बन कहने आ फॉर्मिल ग्रुप आ ग्रुप नु की कहने फॉर्मिल ग्रुप एंड कार्बन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप ऑफ
एस्टेल्डिहाइड। होमोलाइसिस हो जाएगा बेटा, जो ये होमोलिटिक क्लीवेज होया था, एक मिथाइल फ्री रेडिकल मिल गया सानू, तो नाल की मिल गया फॉर्मिल फ्री रेडिकल सी एच ओ। इनू इदा नहीं लिखना था, सी सी डबल बॉन्ड ओ एच इथे डॉट, मिथाइल फ्री रेडिकल मिले बेटा। ये किड़ा मिलिया सानू फॉर्मिल फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, हम सेकेंडरी प्रोसेसिस की होना, सेकेंडरी प्रोसेसिस इन सेकेंडरी प्रोसेसिस व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म इन द वन डिग्री प्रोसेस, मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इन वन डिग्री प्रोसेस विल डू होमोलाइसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑफ फॉर्मिल ग्रुप। ऑफ एस्टेल्डिहाइड बेटा की होगा, इन्हें उत्थे लिख लेंगे सेकेंडरी प्रोसेस का पहला स्टेप। मिथाइल फ्री रेडिकल दे इन्फ्लुएंस अंडर अनदर, आ देखो ये इन्फ्लुएंस दे अंडर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्मिल ग्रुप ऑफ इथेनल का वो डिसोसिएट होएगा। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस मिथाइल फ्री रेडिकल ना मिलके की बना देगा मीथेन। ठीक है, और सी एच फोर। ठीक है, नाल साढ़े को की निकल गया बेटा, एसीटाइल ग्रुप, एसीटाइल फ्री रेडिकल। क्लियर बेटा, थर्ड स्टेप की होएगा बेटा, एसीटाइल फ्री रेडिकल इट्सेल्फ अंडरगो होमोलाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। एसीटाइल फ्री रेडिकल विल अंडरगो होमोलाइसिस। बेटा बुक च नहीं लिखा, थानू ये सारा करना पैना, विल अंडरगो होमोलाइसिस ऑफ विल इट्सेल्फ अंडरगो। होमोलाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन मिथाइल एंड कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एसीटाइल ग्रुप, एसीटाइल फ्री रेडिकल। तो बेटा ये सानू की मिल जाना कार्बन मोनोक्साइड गैस, नाल सानू की मिल गई मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये दूजा स्टेप, तीजा स्टेप हो गया। ठीक है, फिर चौथे स्टेप मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल ना कंबाइन करेगा तो ईथेन बना देगा। ठीक है, सी टू एच सिक्स हो गया बेटा, ईथेन गैस। सो जेडे प्राइमरी स्टेप दे विच कीड़े बने सी बेटा, प्राइमरी स्टेप दे विच साढ़े कोल बनया सी मिथाइल फ्री रेडिकल ते फॉर्मिल फ्री रेडिकल, वो कंज्यूम हो गए। सो फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इन वन डिग्री प्रोसेस रिएक्ट विद ईच अदर
in secondary processes, in reactions of secondary processes, and are consumed and hence are consumed. As a result, no chain reaction setup. Take place. Hence, low phi value. Clear, beta? बट हम थर्ड टाइप का नहीं, अपन रिएक्शन कर लिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन विद हाई विद सिंपल इंटीजर क्वांटम जील विद वेरी स्मॉल, दूजी टाइप का ली फोटो होने ही करके हटे, फोटोकेमिकल रिएक्शन विद वेरी स्मॉल लैस दैन यूनिटी फाइव वैल्यू, हूँ आप फोटोकेमिकल रिएक्शन करने जिन्हें की एक्सट्रीमली हाई क्वांटम जील है जी 10^4 to 10^6 वैल्यू होएगी क्योंकि चेन मैकेनिज्म सैटअप हो जाता है उन्होंने. सो आप गल करनी है थर्ड टाइप ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस विद एक्सट्रीमली हाई क्वांटम यील्ड. दैट इज इतने हम आप फोटोकेमिकल कंबीनेशन जी फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. फॉर एग्जाम्पल फोटोकेमिकल कंबीनेशन भी कह सकते हैं, फोटोकेमिकल कंबीनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, और फोटोकेमिकल फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, सिंथेसाइज करना, फोटोसिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ व्हेन ए रिएक्शन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस is irradiated with (400 to 406 nanometer) irradiated with light of 400 to 460 nanometer wavelength. Very high yield of the order of 10^4 to 10^6 of SCL. SCL is formed, means quantum yield the value, phi the value, 10^4 to 10^6 होएगी. सो रिएक्शन की है, ओवरऑल रिएक्शन H2 गैस बस क्लोरीन गैस इरेडिएट किया इनू विद 400 to 460 nanometer की वेवलैंथ ना, तो साढ़े को 2SCL गैस गैस मिलनी, तो phi की वैल्यू 10^4 to 10^6 होगी. सो क्वांटम यील्ड एक्सेप्शनली हाई है, वाई इट इज सो इनू आप एक्सप्लेन करना है by a mechanism, by a chain mechanism proposed by Nernst. So exceptional high quantum yield of photosynthesis of हाइड्रोक्लोरिक एसिड SCL गैस इज बाज प्रपोज बाय
Buzz explained why. Buzz explained by chain mechanism. Chain mechanism kine propose kita beta? Proposed by Nernst. Scientist Nernst. NERNST. ठीक है जी. सो चेन मैकेनिज्म सैटअप हो जाएगा और सानू असी लोअर क्लास भी करते आए हैं तो उहदे लई बेटा प्रपोज मैकेनिज्म की है. प्रपोज्ड प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोराइडिस 1 degree परसिस्ट की होएगा बेटा. मतलब जिदा जिदा बोलना है उदा उदा लिखी जाना है ना. जिदा क्वेश्चन लिखी जानी है कि आप लाइट रेडिएट की 400 to 460 नैनोमीटर की ओवर द रिएक्शन मिक्सर टेकन इन ए रिएक्शन वैसल रिएक्शन मिक्सर केड़ा एच टू गैस एंड सी एल टू गैस तो वो क्लोरीन गैस ने सारे आप फोटोकैमिकल रिएक्शन सिलेक्टिव होंगे सारे रिएक्टेंट नहीं रिएक्ट करते तो एच टू तो सी एल टू चो किने लाइट ऑब्जॉर्ब की 400 to 460 नैनोमीटर वेवलैंथ की जी रेडिएट की क्लोरीन ने तो क्लोरीन ओपन करके भी लिख सकते हैं इट विल अंडरगो होमोलाइसिस 1 degree प्रोसेस्ड तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल दे देगा. क्लोरीन फ्री रेडिकल ठीक है बेटा. इनू आप कहने चेन इनिशिएटिंग स्टैप 1 degree प्रोसेस में की कहने असं इट इज़ कॉल्ड चेन इनिशिएटिंग इनिशिएटिंग स्टेप. ठीक है हम सेकेंडरी प्रोसेसिस दे विच तुसी की ऑब्जर्व करोगे बेटा. मैं तुहानू कहा कि इत्थे पहला इहनू लिखण तो पहला सेकेंडरी प्रोसेस नू लिखण तो पहला असी कहांगे कि जिहड़ा क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल विल अंडरगो क्लोरीन आउट ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोरीन मॉलिक्यूल क्योंकि फोटोकैमिकल रिएक्शन की होंगे विल अब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन एंड get decomposed and undergo and will undergo homolysis homolysis of chlorine molecule into 2 chlorine free radical into 2 chlorine free radical. ठीक है बेटा हूँ सेकेंडरी प्रोसेस की होगा. सेकेंडरी प्रोसेसिस दे विच बेटा की ऑब्जर्व करांगे इनू आप कहिए आ स्टैप जिहड़ा आ 1 degree प्रोसेसिस रिएक्शन वाले. ठीक है हूँ सेकेंडरी प्रोसेस दूसरा रिएक्शन दे विच तुसीं की ऑब्जर्व करोगे क्लोरीन फ्री रेडिकल विल डीकम्पोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ए रिएक्शन हाइड्रो क्लोरीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल अंडरगो homolysis and result into formation of HCl and hydrogen free radical. ठीक है बेटा हुन इहनू रिएक्शन लिख लिए दूजा स्टेप
जिहड़ा है सेकेंडरी प्रोसेस का रिएक्शन ये होमोलाइसिस अंडरगो करेगा इन्फ्लुएंस दे अंडर ते HCl बन जूगा ठीक है नाल की बन जूगा हाइड्रोजन एटम ए रिएक्शन की होना एक्सोथर्मिक एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिएक्शन इज ये जरूर लिखना है जे नहीं लिखोगे कंप्लीट नहीं है नंबर पूरा नहीं मिलना रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक ठीक है बेटा हूँ थर्ड रिएक्शन हूँ बेटा मैं नहीं लिख रही तो उसी आप लिखना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस दैट इज क्लोरीन क्लोरीन विल अंडरगो होमोलाइसिस एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ए Cl फ्री रेडिकल इन्हें कंबाइन करके HCl बनाता Cl फ्री रेडिकल सो स्टेप्स टू एंड थ्री इन सेकेंडरी प्रोसेसेस रिपीटेड बार बार रिपीट होंगे रिपीटेड ओवर एंड अगेन अगेन टू सेट अप अ चेन सो स्टेप टू एंड थ्री आर नोन एज चेन प्रोपागेटिंग स्टेप प्रोपागेटिंग स्प्रेडिंग स्टेप्स सो स्टेप बेटा टू जिहड़ा आप क्या स्टेप टू तो थ्री जिहड़े आ रिपीट होंगे ओवर एंड अगेन क्यों रिपीट होंगे बिकॉज सेकेंड स्टेप अकर रैपिडली एंड इज एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक So heat released in step 2 in step 2 will utilize to break क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑफ क्लोरीन बाय हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इन स्टेप थ्री सो रिपीट होएगा वन द रिएक्शन जिहड़ा है बेटा चेन सेटअप सो चेन प्रोपागेटिंग स्टेप या है टू एंड थ्री तो फिर लास्ट आ चेन टर्मिनेटिंग स्टेप चेन स्टेप आ चेन टर्मीनेटिंग स्टेप पहला चेन इनिशिएटिंग स्टेप फिर चेन प्रोपागेटिंग स्टेप चेन टर्मीनेटिंग स्टेप और क्लोरीन फ्री रेडिकल ना मिलके क्लोरीन गैस बना देगा सो बेटा क्लियर आ वंस द रिएक्शन स्टार्ट्स बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ वन फोटोन ऑफ लाइट ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेपिटेशन ऑफ द स्टेप टू एंड थ्री ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस देयरफॉर द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज एक्सेप्शनली हाई दैट इज इन द रेंज ऑफ 10^4 टू 10^6 बट द रिएक्शन स्टॉप्स व्हेन क्लोरीन एटम कंबाइन विद ईच अदर एट द वॉल्स ऑफ द एक नंबर चाहता है एट द वॉल्स ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिएक्शन वेसल रिएक्शन स्टॉप व्हेन क्लोरीन एटम कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल एट द वॉल ऑफ द रिएक्शन वेसल टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन फोर सो इन दिस मैकेनिज्म द रिएक्शन वन विच इनिशिएटिंग द रिएक्शन बाय जनरेटिंग क्लोरीन एटम क्लोरीन फ्री रेडिकल
Carl chain initiating step, while reaction 2 and 3 are Carl chain propagating step, and the fourth step is chain terminating step. Quantum yield of reaction between H2 and Cl2 can be reduced. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਫ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਸਲ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਸਲ ਜਿਹ 'ਚ H2Cl2C ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਡੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੇਂਜ 400 to 460 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਨਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਸਲ ਸੀਗਾ, H2 ਗੈਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ Cl2 ਗੈਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ HCl ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਲੋਰੀਨ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਰਨ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ HCl ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗੀ, ਯੂ ਨੋ ਆਕਸੀਜਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕਲੀ ਕਲੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓ ਐਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ HO2 ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰੋਕਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰੋਕਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਚੇਨ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਮੀਨੇਟ ਦਾ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਯੀਲਡ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਯੀਲਡ of reaction between H2 and Cl2 can be reduced if small traces of oxygen is introduced into the reaction vessel, oxygen terminate the chain reaction by combining with free radical of hydrogen, hydrogen free radical form by forming hydrogen peroxide, ek hi banata hydrogen peroxide. ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ HCl ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ Cl2, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਸਲ 'ਚ, Cl ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, Cl ਵੀ ਸੀ, HCl ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆ H ਜਿਹੜਾ O2 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ, ਸੋ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦਸ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਰਿਐਕਟ with oxygen and result in chain termination. In this way, oxygen reduces the quantum yield of hydrogen-chlorine reaction. The substance which reduces the quantum yield of a photochemical reaction are called photo-inhibitor. Inhibit kar de, rok de. Substance which reduces the quantum yield of a photochemical reaction are called inhibitors. The substance which reduce the quantum yield of a photochemical reaction are called photo inhibitor. Clear? So oxygen is here a photo inhibitor.